ऐसे औरत को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप औरत पे हाथ उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि नावेद भाई आए हुए हैं हमारे गेस्ट, तो आज हम जा रहे हैं जी श्रीनगर, उनको घुमा के लाएंगे। सोचा कि आज वहाँ चलते हैं, बहुत घूम लिया हमने, बंगस वगैरह बाकी जगह भी गए, गुलाब वैली भी गए, तो आज हमने सोचा कि हम श्रीनगर चलते हैं, डल लेक वगैरह घूमेंगे और फिर कल परसों की भाई की फ़्लाइट है और इनको वापस जाना है। और ये रहा जी मेरा आउटफिट, देख लो, और ये हमारे नावेद भाई, क्या ही जज रहे हैं भाई साहब। चलो जी, ऑलरेडी हम लेट हैं, 10:30 हो गए, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स गो। चलो भाई, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चेंज वी आर इन करालपुरा राइट नाउ। यहाँ से भी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, दो गाड़ियाँ। हाँ भाई, मौत का खेल वाला पुल है ये। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी श्रीनगर कमरवारी में, और अभी हमें लेनी है यहाँ से बस सीधा LD के लिए। पहले हम रूम पे जाएंगे और सामान वगैरह वहाँ पे रखना, और उसके बाद हम वापस आएंगे। और गर्मी इस कदर हो रही है भाई साहब के पूछो ही ना। हाँ नवीद भाई, गर्मी है बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? वहाँ से तो राजस्थान। राजस्थान? तो भाई साहब को राजस्थान लग रहा है इस टाइम कुछ भी, तो हमारी वादी में तो अलग ही मज़ा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी ड्राइवर साहब गए हैं जी पैसे लाने, उनके पास चेंज नहीं था तो छुट्टा नहीं था, मतलब हाँ 3 बार ले लिया हमसे, तो अब उसकी तरफ ज़्यादा हो गए, तो अब वो लेने जा रहे हैं। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं और हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ओके भाई साहब, पहुँच चुके हैं जी हम LD के पास, LD हॉस्पिटल के पास। तो ऑटो वाले के साथ उसके साथ 60 रुपये और उसने 80 ले लिए, क्या बता सकते हैं। A few moments later. So guys, अभी रूम पे सामान वगैरह छोड़ है और हम निकले हैं जी डल के लिए, डल लेक। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जी डल लेक। हाँ जी, अभी नहीं जाना हमने, अंकल सिर हो गए हमारे भाई, बचाओ तो। अरे अभी नहीं जाना हमने, अंकल ने जान ले ली भाई, ये पीछे ही पड़ गए। तो गाइज हमारे साथ एक पॉपेट हो गया, हमें लाल चौक से उठाया, नहीं सॉरी, हमें जहांगीर चौक से उठाया। रहते हैं, उन्हें आगे ही नहीं पता, बताओ। अब बताओ भाई, मेरे से रो रहे हैं कि आपको कश्मीर का नहीं पता, डल लेक का नहीं पता। भाई जब आया ही नहीं मैं, तो मुझे क्या पता होगा कश्मीर को जाने का, क्या पता। आप हरियाणा में आओ, चंडीगढ़ आओ, जहाँ मर्जी आओ, कोई हम लेके चलेंगे आपको, जहाँ लेके जाना। कोई बात नहीं, वहाँ चलेंगे हम, इंशाल्लाह चलेंगे। और ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो नाम बदल देना, ठीक है, मैं खुद बदलूंगा इनका नाम। तो हमारे साथ पॉपर्ट ये हो गया कि हमें जहांगीर चौक से उठाया और हमें लेके चले किसी दरगाह, हमने कहा था हमें डल लेक उतरना है, तो अब वहाँ से वापस फिर यहाँ आए और हमारा तकरीबन 1.5 घंटा ज़ाया हो गया। और अभी हम पहुँच चुके हैं जी फाइनली डल लेक पे, तो अभी आपको दिखाएंगे नज़ारा प्रॉपर और नवेद भाई को घुमा के लाएंगे, डल में तैरना सिखाएंगे कि कैसे तैरा जाता है। नहीं नहीं, एक काम करो, ऐसे धक्का दे दो, वही करेंगे। आओ जी नज़ारा देख लो जी, ओए होए होए, क्या बात है। बॉडी भैया, बॉडी कितने का, कितने मेंबर है? दो काम करवाए का सर्कल में पूरा। हां कितना? थोड़ा दोनों के, दोनों वाइट बोल देगा ये जॉन डिलेक्स, दोनों का 800 ज्यादा हो गए, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर। आप पहले मेरा 500 रुपये, मेरा मैंने देखना, जब आपको अच्छा लगेगा ना तब मेरे को पैसे देना, ठीक है भैया? नहीं नहीं, थोड़ा 400 ज़्यादा 500 रुपये दे देंगे। टाइमिंग कितनी है?
इसमें देखो मैं बताऊंगा, गलत नहीं बोल रहे हैं जी, इसमें चार जगह है हमारा, इसमें टाइमिंग नहीं होता, हमारा रूट्स होता है। टाइम कितना लगेगा आप टाइम तो बताएं, इसमें टाइमिंग नहीं होता है, फिर भी कम से कम हम चलाएंगे ना बोट चलाने में हमको आधा घंटा लगता है। अच्छा, बोट चलाने में हमको लगेगा आधा घंटा। अच्छा, कितनी देर में आ जाएंगे? आधा घंटे में आ जाएंगे। आधा घंटे में वो सेंटर में जाओगे ना, जो सेंटर है वही है ना गोल्डन लेक, उसी को बोलते हैं गोल्डन लेक। हम पहली बार आए, हमें नहीं पता, पैसे काट लेंगे अंकल के, और कुछ नहीं होने का। बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा कैमरा डस्ट आ रहा है कैमरे पे। क्या हो रहा, हिल रही है? कुछ नहीं, हिलने से क्या हो जाएगा, बैठ जाना। खींचो थोड़ा इधर को, चलो बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह भाई साहब, ओए होए होए, चलो जी करते हैं जी बिस्मिल्लाह। चप्पू चलाओ, हाँ चप्पू चलाओ। अच्छा जूता निकाल के तैरना नहीं आता हमें, ओ भाई साहब उधर को चल जाओ, मैं भी आ जाऊं भाई, अगर मेरे को अच्छा लगा ना मैं आधा चक्कर और मार लूंगा। ठीक है भाई, वो भाई बैठे रहो भाई, मैंने रिस्क नहीं लेना भाई साहब, मैं खुद रिस्क में हूँ तो बस बैठे रहो। अच्छा अंकल भी खत्म ही कुछ तो पढ़ रहे हैं अंकल। A few inches later, अभी बैठ चुके हैं जी हम सही से, फिलहाल ठीक ठाक मजे ना। अब एक इंस्टा के लिए वीडियो बनानी, हाँ जी, तो अब आप करो अपना करो, अभी बनाएंगे इंस्टा की रील भी बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, बहुत प्यार से बनाएंगे, फिलहाल आप इंजॉय करें मोमेंट। क्या लग रहा आपको? लॉर्ड्स ड्यूक वेल एच बी सिल्वर स्ट्रीट काफी सारे बोट ये क्या कहते हैं, आज रात यहीं ना गुजार ले गए। कहाँ पे? इनमें हाँ। यार ये डल में बोतल क्या कर रही है यार, तेल की बोतल क्या कर रही है? ठीक है सर, नो थैंक यू। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ओ आराम से, किस तरह ये ढाई सौ रुपए की, ऐसे आपको 200 पीस ब्रश स्टोन में, ये 200 रुपए की, इसके साथ ये कॉमन की होते हैं साथ, देने के लिए अच्छा, देने के लिए थोड़ा याद कर के लिए दूसरों ये ऐसा वाला ना सर, इसके साथ ये कान के होते हैं साथ। अच्छा, जब आप दो बजे देखेंगे शाम को बोले नहीं है कुछ, अच्छा अच्छा लिया मैंने कुछ। ठीक है ठीक है, काफ़ी प्यारे हैं सर जी, कहाँ ले आए उस्ताद जी, कहाँ ले आए सर जी, कहाँ ले आए सर जी, कहाँ ले आए? लॉर्ड्स गार्डन। इसको बजाया है ना भाई को? अरे साफ साफ सी जगह पे ले जाओ ना, ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पहाड़ है बढ़िया से, पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेक ऐसा ही है, पहाड़ कहाँ आएगा यार, सेंटर में ले जाए, सोनमर्ग है उधर, कहाँ जाएगा उधर जाएगा, ये पहाड़ है सोनमर्ग, अरे वहाँ सेंटर में लेके जाओ ना, यहाँ तो आगे ना, ये आ गया ना सेंटर, जो इसी घंटे मैंने बताया वो दिखाएगा ना, ऐसे क्यों गलत नहीं करे थे जो हमारा, ए गंदी जगह है, इतनी सारी गंदगी और रखी है यहाँ पे, तो साफ जगह लेके जाओ यार, ये साफ है, यहाँ अंग्रेज बैठते हैं, अंग्रेज पता है कितना सुथरा होता है, ये पता है कितने का बोट एक, ये 10 करोड़ रुपए का एक हाउस है, कौन सा ये, हाँ यहाँ पर अंग्रेज बैठते हैं, पैसे दे रहे हैं मुझे लेना है। भाई अंग्रेजों के पास पैसा बहुत है ना, अरे क्या है अंग्रेज पता है कितना रुपया वाला होता है, हाँ जो मतलब 15,000-20,000 रुपया एक नाइट को देगा एक रूम का। अच्छा हाँ, हम उतना कहाँ दे पाएंगे, भाई साहब। अच्छा अंकल वहाँ लेके जाइयो, उधर को घुमा के ले आओ, यार मेरा बात सुनो ना, बात तो सुन रहे हैं हम, उधर से उधर लेके जाना हमने, वहाँ वो उधर आता है 12 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, वो पॉइंट अगर करना है उसमें टाइम लगेगा ना, फिर वहाँ तो जाना है, देखो सेंटर में तो जाना है, तो सेंटर में जाना है, यहाँ कहाँ ले आया देखो पहले का था भाई साहब, किनारे पे हैं हम, हमने वहाँ जाना उधर पर सेंटर की बात हुई थी ना, उधर
कहाँ तक यार हमने चलने तो ये थोड़ी ना होता है यार, आप चलने से पहले कहा था। कहाँ से आप? ये जगह पता है कौन सा जगह है? इसको बोलते हैं गोल्डन लेक। हमें पता है गोल्डन लेक, सेंटर में तो लेके जाओ। कौन सा सेंटर? वो पर ये 75 किलोमीटर से सेंटर में जाना है। सेंटर है ना ये सेंटर है। ये कौन सा सेंटर है भाई साहब? ऐसा लगेगी जी, मैं ले जाऊंगा जी। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ा नहीं होता, जो जवान उतर के आए ना, अब मुसलमान है। मुसलमान है तो आप बताओ ना, आप क्या गलत कर रहे हैं? आप उधर ले जाओ, आप इधर ले चलो, जो जवान की। हमने क्या बोला था? जो चार जगह बताया, क्या चार जगह? चार जगह बताया ना, तो आप यहाँ किनारे पे घुमा रहे हो। ये किनारा है? और किनारा नहीं तो क्या है? ये हाउस बोटिंग, यहाँ पर बड़ा बड़ा स्टार लोग यहाँ पर आते हैं। तुम्हारे नाम छोड़ी आयो, हम थोड़ी ना स्टार हैं यार। ओके ओके, जाओ पीछे, जाओ पीछे बहन। ओ भाई साहब, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और जाओ पीछे, और पीछे जाओ, थोड़ा और जाओ, जाओ ना और। बस अंकल होता है फोड़ के लिए। अब देखो पार्ट बड़ा है भाई, बनाओ रील ठीक करके ना। हाँ ऐसे आगे आ। तो भाई एक्सपीरियंस ही होता है यहाँ पे खत्म। तो आप फटाफट क्या इंट्रो देना चाहोगे, छोटा मोटा? मतलब काफी ज्यादा मजा आया, अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो शायद हम और ज्यादा टाइम इस शिकार में स्पेंड कर सकते हैं ना। आधा टाइम तो रील निकालने में निकल गया, हमारा गया रील्स, रील्स और फोटो। और अंकल बड़े परेशान हुए पीछे बैठे, अंकल जो है वो परेशान होकर लड़ पड़े हमसे। भाई ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई। तो फटाफट क्या कहना चाहेंगे और आप? बस एंजॉय करें ऐसी मूवमेंट्स और ज्यादातर हमारे अंकल के साथ टाइम स्पेंड करें। अंकल जी गुस्सा तो नहीं हो गए? गुस्सा तो नहीं हो गए? यार आप हमारे मेहमान है, सर क्यों करेगा यार? गुस्सा वाला आदमी नहीं है ये, लोग मेरे को खटकाता है ना, इसलिए फिर मेरा मगज खराब होता है। अच्छा सही है, मुझे लगा था कि अंकल गुस्सा हो गए शायद हमसे लड़ पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। तो चलते हैं जल्दी से, तो हम जाते हैं जी निषाद गार्डन और उसके बाद वापस रूम पे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कुछ मत गिराया आपको ना, सब कुछ है, कोई बात नहीं। मैंने ऐसा कोई दूसरा कस्टमर बैठता है ना, हाँ जी वो उठाता है ना बाद में। अच्छा नहीं नहीं कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं तो। ओके प्रिया जी, अंकल का शिकारा जॉन ड्यूलेक्स गेट नंबर 2 पे, तो आपको अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, काफी अच्छा मजा आएगा। कुछ आपकी हम ऐड कर रहे हैं, आपकी ऐड कर रहे हैं हम व्लॉग में, व्लॉग में ऐड कर रहे हैं ना, आप 800 देना हैं? 800 ऐड भी हम करें और कमीशन भी ज्यादा, ये कैसा डिस्काउंट है भाई। सो गाइस अभी हम आए हैं जी एटीएम पे कैश निकालने, अंकल को पैसे देने, अंकल का गूगल पे नहीं चल रहा, तो हम यहाँ से निकालेंगे। लो जी निकल गया जी कैश, तो ले लिए जी पैसे। अब हम अंकल को पहले कहेंगे 600 का, फिर बाद में देखते हैं अंकल क्या कहेंगे, अंकल का रिएक्शन क्या रहेगा। अंकल निकले नहीं, निकले नहीं। ऐसा व्यू चेक कीजिए, ओए ओए। तो गाइस अभी हैं जी हम गार्डन, निषाद गार्डन, निषाद गार्डन में, तो हम यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे जी अंदर को, अंदर भी थोड़ा सा घूम के आए। ओके जी आप कैसे टच कर रहे हो?
बताओ जी किस कदर ऐसे औरत को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप औरत पे हाथ उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई साहब, बहुत हो गया घूमना फिरना, अब चलते हैं जी हम वापस रूम की ओर। पजामा पजुमा पा के निकलेंगे। हाँ, पजामा पजुमा पजामा पजामा लगा के फिर निकलेंगे हम। ऐसे नहीं, फिलहाल नाइट व्यू चेक करो भाई साहब। ओए होए होए, क्या बात है जी। हाँ जी गाइस, वी आर इन लाल चौक राइट नाउ। ओए होए 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 भाई साहब, क्या ही नज़ारा है। नावेद भाई कैसा लगा लाल चौक? बहुत बढ़िया। बढ़िया है, फोटो खिंचा ली? भाई क्या क्या फोटो उठाई बता ही नहीं सकता, लेकिन व्यू चेक करो भाई साहब। ओए होए होए, तो चलो जी अभी चलते हैं हम यहाँ से वापस और निकलते हैं कुछ खा पी के, फिर हम चलते हैं घर की ओर, रूम की ओर, रूम की ओर चलते हैं। ओए होए जी भाई साहब, क्या ही नज़ारा है यार। ओए होए होए, यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, चलते हैं वापस। है ऐसा भी होता है? रेड में काला लगता है भाई। हाँ भाई, यहाँ के नज़ारे चेक करो, शिकारे बोट। ओए होए होए, हाँ सही है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक ना एक बोट बुक करनी है रात के लिए। अभी कर लो क्या बड़ी बात, अभी नहीं क्या? अभी नहीं, फिर कभी जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तब करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम पता नहीं भाई कब आएंगे ना आएंगे। नहीं भाई आएगा, जब ऊपर वाले ने रोजी लिखी होगी तो आएंगे, आप आओगे। ठीक है, हाँ ये भी है। हाँ, ये जो 7-8 दिन निकले, क्या पता अल्लाह ने लिखी हो। सही है, चलो कोई नहीं, अब चलते हैं हम रूम पे, हमने पहले खाना खा लेंगे, जहाँ पे हमने पहले खाना खाया था वहाँ पे बढ़िया खाना बना था, वो खाएंगे फिर चलेंगे हम रूम पे। चलो जी। A few moments later, हम जी गाइस पहुँच चुके हैं जी रूम पे, फैन चल रहा है मस्त, लेकिन इतनी हवा नहीं है भाई, कॉपी राइट आ जाएगा। अभी हम इस ब्लॉग को रिटर्न करते हैं और सुबह नए ब्लॉग को एयरपोर्ट पर छोड़ना, तो अभी जल्दी से सो जाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं रिटर्न। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो शेयर कीजिए, वेयर यू वांट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्या बोल रहे हैं।